वालेकुम, हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप देख रहे होगे कि ये मेरा लुक जो है वो सेम है मेरे प्रीवियस वीडियो से, जो मैंने अनबॉक्सिंग वाला वीडियो किया था। तो दिस इज़ बिकॉज मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि मेरा जो लुक है वो मेलिफिसेंट के जैसा दिख रहा है। तो एक्चुअली वो एक इंस्पायर्ड था, मैंने उसी से इंस्पायर होके मैंने वो मेकअप किया था, एंड ऑल ब्लैक वाला सॉर्ट ऑफ मेकअप मैंने किया था। देन शी सेड के व्हाई नॉट यू डू अ ट्यूटोरियल ऑफ दैट। तो इसीलिए मैंने बोला कि चलो ठीक है, ट्यूटोरियल कर लेते हैं उसका। चलिए देखते हैं कि मैंने किस तरह से ये लुक किया है। लेकिन मेरे वीडियो स्टार्ट होने से पहले, आपको पता है आपको क्या करना है। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, एक बेल आइकन आएगा उसे भी हिट कर देना, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू माय वीडियो। बिफोर मूविंग एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो विथ माय न्यू बैकग्राउंड जो मैंने वॉल किया था। इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें मैंने जो ये किया था, तो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो आफ्टर पुटिंग माय वॉलपेपर। एंड प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी डू, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो गाइज, मैंने मेरे फेस पे प्राइमर, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन एंड फाउंडेशन मैंने लगा लिया है। तो मैंने क्या क्या किया है वो मैं बता देती हूँ। मैंने सबसे पहले मेरे फेस को मॉइस्चराइज़ किया है विद दिस, इफ़ यू कैन सी, हाँ, इट्स अ वेस्टीज का एश्योर एलोवेरा कुकुम्बर एक्वा जेल, विच इज़ वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन। आई एम यूजिंग इट फ्रॉम कपल ऑफ डेज, मैं थोड़े दिन से यूज़ कर रही हूँ, एंड इट इज़ वेरी गुड, वेरी लाइट मॉइस्चराइज़र, बिल्कुल भी ग्रीजी वगैरह कुछ नहीं करता है। तो इट्स अ वेरी गुड बाय, एंड इसमें एलोवेरा है, तो एलोवेरा इज़ ओके फॉर ऑल स्किन टाइप, कोई भी स्किन टाइप के यूज़ कर सकते हैं। एंड कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट है, तो जिससे क्या है, एक थोड़ा सा कूलिंग, काम एंड कूलिंग रखता है आपके स्किन को। सो दिस इज़ बेसिकली फॉर ऑयली स्किन, बट इसमें एलोवेरा है तो यू कैन लाइक मीडियम से लेके ऑयली स्किन तक के, जिसकी सेंसिटिव स्किन है, मीडियम स्किन है, वो इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइड, इट इज़ वेरी गुड। इसके बाद में मैंने एक और वेस्टीज का प्रोडक्ट यूज़ किया है, जो कि है ये एश्योर का कंप्लीट फेयरनेस क्रीम। एंड अगेन गाइस, आई नो आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी फेयरनेस, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको यूज़ करती हूँ बिकॉज इसमें बेलबेरी एंड ग्रेप एक्सट्रैक्ट है, एंड एज वेल एज इसमें लाइट SPF है, यानी SPF 15-20 SPF है। उसके बाद में मैंने मेरे स्किन को प्रेप किया है बाय माय फेवरेट कलाबार का परफेक्ट मैच प्राइमर। इससे मैंने मेरे स्किन को प्रेप किया है, ये ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। एंड दिस इज व्हाट, इट्स वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन बिकॉज़ ये सिलिकॉन बेस है, एंड वाटर बेस सिलिकॉन बेस है, तो जो क्या ऑयली स्किन को और ज्यादा ऑयली नहीं करता, इट मैट, इट मिनिमाइज द पोर्स। यू कैन सी आई हैव लॉट्स ऑफ ओपन पोर्स हियर, और इसकी वजह से ये मिनिमाइज करता है वो पोर्स को, एंड मेरा मेकअप ट्रूली बहुत देर तक स्टे करता है। तो फॉर प्राइमर आई यूज दिस कलर का परफेक्ट मैच प्राइमर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इज द फाउंडेशन स्टिक, व्हिच आई एम इन लव, वेरी मच इन लव। आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने इसके बारे में बात किया है, विच इज़ शुगर का ये व्हाट यू कैन से फाउंडेशन स्टिक। ये शेड 20 है, मेरा शेड 20 है, मैं ये यूज़ करती हूँ, मैं डेली भी यूज़ करती हूँ, मैं अच्छा लाइक हैवी मेकअप फॉर पार्टीज एंड ऑल भी अगर करती हूँ, तो भी मैं यही यूज़ करती हूँ, बिकॉज इट्स सूट्स माय स्किन, ये मेरे स्किन को मैट करता है, इट डज नॉट लेट इट लुक लाइक वेरी ऑयली, तो इट्स वेरी गुड फॉर माय स्किन, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ, एंड इट्स परफेक्ट फॉर मी। दिस इज माय सेकंड ट्यूब एक्चुअली, एंड इट लास्ट वेरी लॉन्ग, बहुत लॉन्ग लास्ट करता है, बिकॉज यू हैव सिक जितनी क्वांटिटी चाहिए यू कैन यूज इट, डजंट गेट फेस, एंड सबसे अच्छी चीज इसके पीछे ब्रश है, विच यू कैन यूज इट फॉर ब्लेंड। एंड मैंने मेरा मेकअप ब्लेंड किया है बाय ब्यूटी ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया है, बिकॉज मेरा मुझे ब्रश से बहुत फ्लॉलेस नहीं आता है लुक, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस। अभी मैं मेरे फेस को सेट करूंगी, फॉर सेटिंग टुडे आई एम गोना यूज दिस रिमल लंदन का मैच परफेक्शन ट्रांजिशन पाउडर। एज यू कैन सी, इफ यू कैन, या सो टुडे आई एम गोना यूज दिस, थोड़ा सा मेसी हो जाता है यार ये सब, सी टू सेट माय अंडर आई एंड फॉर माय जॉ लाइन, सो नाउ आई डू माई आई मेकअप। मैंने एक्चुअली मेरे आई पे भी मैंने प्राइमर लगाया है, एंड एज वेल एज मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन से उसको अच्छे से सेट कर लिया है। सो नाउ आई विल गो ऑन यूजिंग
दी आई शेडो। तो उसके लिए आई बी यूजिंग मेरा सबसे पुराना वाला ये सिवाना का है जो कि काफी टूट चुका है, सी ये पूरी तरीके से ब्रेक हो गया। दिस इज वन ऑफ माय ओल्डेस्ट वन एंड वन ऑफ माय फेवरेट वन। सो आई बी यूजिंग दिस विद अ ब्यूटी सॉरी नॉट अ ब्यूटी ब्लेंडर विद अ फ्लफी ब्रश। तो इसमें मैं सबसे पहले जो है मैं ये वाला शेड लूंगी, ये पिंक वाला जो शेड है वो लूंगी, बट माय बेस शेड विल बी दिस एंड देन आई बी यूजिंग दिस पिंक एंड दिस ग्लिटरी मैट कलर। तो सिवाना के पैलेट में से मैं ब्राउन वाला शेड यूज़ करूंगी एंड मैं उसको अप्लाई करूंगी मेरे कट क्रीज पे सो दैट एक थोड़ा सा शैडो इफेक्ट आए। एंड देन अभी जो है मैं लाइट पिंक वाला शेड लूंगी जो थोड़ा सा ग्लिटरी है, उसको मेरे इनर कॉर्नर पे लगाऊंगी ताकि मैं थोड़ा सा खाली उसमें हल्का इफेक्ट चाहती हूँ। एंड देन जो है अभी डार्कर पिंक लूंगी जो कि विथ शिमर है एंड ये वाला शेड जो है वो फिंगर से बहुत अच्छे से पिक होता है, तो मैं इसको फिंगर से पिक करके मिडल ऑफ माय आई पे लगाऊंगी यानी प्रॉपर माय आईलेट पे लगाऊंगी इसको। एंड देन जो है मैं एक फ्लफी ब्रश से इसको ब्लेंड कर लूंगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। नाउ रिमल लंडन का काजल लूंगी जिसको एज एन आई लाइनर अप्लाई करूंगी सो दैट मैं इसको स्मच करूँ और स्मोकी आई इफेक्ट क्रिएट कर सकूँ। एंड उसके बाद में जो है मैं लूँगी कलर बार का ब्लेंडिंग स्पंज जिसको मैं मेरे आईलाइनर यानी जो काजल मैंने लगाया उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि एक स्मोकी इफेक्ट आ जाए उससे। देन अब जो है मैं वही स्पंज पे थोड़ा और काजल लगाऊंगी एंड मेरे आई के आउटर वी पे उसे प्लेस करूँगी फॉर दैट डार्क स्मोकी आई का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। अभी जो भी मेरा पाउडर मैंने लगाया था बेक करने के लिए फेस पे वो डस्ट ऑफ कर लूंगी एंड नाउ आई एम यूजिंग लैक्मे का आइकॉनिक काजल टू पुट इट ऑन माय वाटर आई। मैंने रिमल लंडन का लगाया था बट इट इज नॉट शोइंग माय आई पॉप अप और मैं सेम अभी स्पंज जो है कलर बार का उसी से मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी एंड नाउ वही सेम स्पंज से मैं मेरे आईब्रोज को थोड़ा सा फिल कर लूंगी एंड आई विल सेट माय एंड आई विल सेट माई फेस बाई यूजिंग ब्लू हेवन का लूज पाउडर। उससे मैं अच्छे से मेरा फेस मेकअप सेट कर लूँगी और अब जो है मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा विच इज़ फ्रॉम मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा है जो मैं अपने आईलेट आई लैशेज पे लगाऊंगी एंड टू माई लोअर लैशेज ऑल्सो एंड सेम से मैं मेरे आईब्रोज को अच्छे से सेट कर लूँगी। एंड देन नाउ मैं यूज़ करूँगी शुगर का आई शेडो पैलेट जिसमें से ब्राउन शेड यूज़ करूँगी फॉर ब्राउनजिंग फेस को ब्राउन्स करने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए मैं मेरे कट फेस कट पे एंड जॉ लाइन पे लगाऊंगी एंड विद द ब्लेंडिंग ब्रश मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड देन मैं यूज़ करूँगी रिमल लंडन का ब्लश जो मैं अप्लाई करूँगी मेरे चीक बोन्स पे एंड नाउ उसी में का एक ग्लिटर शेड लूँगी फॉर हाइलाइटिंग माई चीक्स। सो अभी मैं सेम हाइलाइटर शेड यूज़ करूँगी मेरे आईब्रोज ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए एंड इनर कॉर्नर जो है मेरा आई का उसे हाईलाइट करने के लिए। एंड नाउ अभी लिपस्टिक यूज़ करूँगी, ये है मेबलिन की लिपस्टिक एंड अब करूँगी मैं मेरा हेयर स्टाइलिंग। इसमें मैंने स्ट्रेट पार्टेड हेयर किया है एंड देन दो पार्ट में डिवाइड करके आई विल डू पोनी एट बोथ द साइड कुछ इस तरीके से एंड देन उसको रैप अराउंड करूँगी, राउंड रैप करके इसका एक मैसी बन काइंड का क्रिएट कर लूँगी एंड एक क्लिप से इसे अच्छे से सिक्योर कर लूँगी एंड हियर इज द फाइनल लुक। सो या गाइज दिस वॉज इट। अच्छा लगा आपको ये लुक प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक करिए क्योंकि अगर आप लाइक करिएगा तो ये यूट्यूब के अल्गोरिदम में रेट होगा एंड मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो प्लीज़ लाइक करिए एंड शेयर करिए आपके कॉन्टैक्ट्स को एंड शेयर इट ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड Please subscribe my channel, hit the bell icon so that you be always notified and कुछ और inspiration look up देखना चाहते हो तो please comment करना और मुझे बताना। So see you in the next video, till then bye bye, take care and please subscribe.